Assalamualaikum viewers, I am Mohammad Anwar and in this lecture I am going to discuss how can we insert image in MySQL database using PHP, and also we will discuss how to validate image format and size. After that, our registration form will be completed, and I recommend you that you must complete this registration form before next lecture. And if you have an issue, then you can ask me on Facebook group, and don't feel hesitate to ask me questions. And let's start this lecture. तो हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक चीज़ हमारी रह गई थी, वो थी हमारी इमेज, और इमेज को हम किस तरह वो अपलोड कर सकते हैं डेटाबेस में, किस तरह उसको स्टोर कर सकते हैं, तो वो हमने इस लेक्चर में देखना है। तो हम इसको देख लेते हैं, फॉर्म ओपन करते हैं, लोकल होस्ट रजिस्ट्रेशन। तो हमने अब इमेज को अपलोड करना है। तो इसके ना दो मेथड्स हैं डेटाबेस में स्टोर करने के। एक तो आप या तो डेटाबेस में आप उस इमेज को स्टोर करें एंड उसका नेम भी उसमें स्टोर करें डेटाबेस में, एंड दूसरा जो है मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो नॉर्मली यही होता है कि जो इमेज है उसको एक फोल्डर में सेव करें एंड उसका जो सोर्स या लोकेशन जो होगी वो हम डेटाबेस में जस्ट उसको अपलोड करें और उसको सेव करें। तो हमने रजिस्ट्रेशन जो हमने डेटाबेस क्रिएट की थी, तो हमने जस्ट उसमें जो इसकी टाइप रखी थी, कहाँ पे नेम, सॉरी मैं यहाँ पर, तो इमेज में हमने जो है उसकी लेंथ हमने डिफाइन की थी varchar, और उसमें हमने 255 जो है वो दिया था, उसका जो है टाइप दी थी, उसकी लेंथ दी थी हमने। तो हमने वो इसलिए दी थी कि हमने जस्ट उसमें जो सोर्स नेम है इसका, जो इमेज का सोर्स नेम होगा, लाइक जैसे ये है, ये इमेज का सोर्स नेम है, और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन नेम .jpg, तो हमने ये जस्ट इसमें जो है वो स्टोर करना है, और जो इमेज होगी वो हमने एक फ़ोल्डर में सेव करनी है। तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं कि ये जो है वो किस तरह हो सकता है। यहाँ पे इसका जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग होगा इमेज जो स्टोर करने का, तो वो हम देखेंगे। तो जैसे हम करते हैं कि इनपुट फील्ड में यहाँ पे जो एक्सेस करते हैं वो पोस्ट मेथड्स यूज़ करके करते हैं, लेकिन इमेज के लिए हमने फाइल्स अरे यूज़ करनी है, फाइल अरेज वो हम यूज़ करेंगे। तो फाइल अरे में क्या होता है कि फाइल्स में वो जो हम फाइल अपलोड करते हैं वो फ्रंट एंड से गेट करके लेके आता है बैक एंड पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे करते हैं, सॉरी ऊपर ही कर लेते हैं, यहाँ पे उसको हम वेरिएबल में स्टोर करें। जैसे हमने यहाँ पे गेट की थी वैल्यूज़ और उसको हमने एक वेरिएबल्स में रखी थी, तो हम वैसे ही हम इसके लिए इमेज के लिए करेंगे, इमेज नेम रख देते हैं उसका, एंड उसके बाद $__and फाइल्स। अब ये क्या करेगा, ये इस अरेज में दो इंडेक्सेस होते हैं। फर्स्ट इंडेक्स में हमने नेम स्पेसिफाई करना होता है, जहाँ जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं ये पोस्ट मेथड में, यहाँ पे हम नेम जो है जिस इनपुट फील्ड नेम वो हम यहाँ पे देते हैं। तो इनपुट फील्ड जो मैं यूज़ कर इमेज के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखें, वो मैंने फाइल यूज़ की हो, तो यहाँ पे मैं फाइल लिख देता हूँ, सॉरी ऊपर था, यहाँ पे फाइल। और सेकंड इंडेक्स में हमने नेम एट्रीब्यूट देना होता है, नेम, जस्ट नेम, क्योंकि हम नेम बेस पे उसको हम वैल्यूज़ गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स में हमने नेम को स्पेसिफाई करना होता है। तो ये हमारे पास नेम जो इमेज नेम होगा वो गेट करके बैकएंड पे रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इको करवा के आपको दिखा देता हूँ कि ये इमेज नेम में क्या वैल्यू हुई है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं हम चेक कर लेते हैं, इसको करते हैं, तो यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, कोई भी इमेज उठा लें आप, ये मैं उठा लेता हूँ। तो ये मेरे पास इमेज नेम है, तो वो मुझे जो है इमेज नेम शो कर देगा। तो हमने जेपीजी, ये हमारे पास इमेज नेम थी, तो हमने यहाँ पे गेट कर लिया हो। अब इसको हमने डेटाबेस में ऐसे ही स्टोर करवा देना है। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ पे इमेज था, ये मेरे पास कॉलम था इमेज का, तो वैसे ही उसके क्रॉसपोर्डिंग, उसके बिल्कुल क्रॉसपोर्डिंग जो होगा कॉलम में उसकी वैल्यूज़ को सेंड करना है। तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में इसको एम्प्टी छोड़ा था, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को देना है, तो ये मेरे पास वैल्यू चली जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अब जो है हमने यहाँ पे देख लेते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। वैल्यू नहीं आई, देख लेते हैं क्यों नहीं आई वैल्यूज़। वैल्यू इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने वैलिडेशन जो लगाई थी वो फुलफिल नहीं की, बिकॉज के हमने यहाँ पे ये सारी जो है वैलिडेशन इसको फुलफिल करना था, तो वो फुलफिल करेंगे तो फिर वो डेटाबेस में स्टोर हो गई। अब इसमें वो करेक्ट नेम दे लेते हैं, सनावर देते हैं, सनावर, और उसके बाद ईमेल, और उसके बाद फ़ोन नंबर दे लेते हैं, फ़ोन नंबर, और कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। इमेज अब सेलेक्ट करनी है, तो इमेज ये मैंने ये सिलेक्ट कर ली, और उसके बाद करेक्ट पासवर्ड देना है ASD123 और ये पासवर्ड ASD। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ईमेल इज करेक्ट, फोन इज करेक्ट, रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब हमारा रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में जा चुका है। हम यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास था रिकॉर्ड, अब हम यहाँ पे उसको स्टोर कर लिया। अब सेकंड काम क्या होता है कि हम इस जो है जो आपने इमेज नेम स्टोर किया हुआ है, अगर हमने बाद में ज़रूरत पड़ती है कि इसको एक्सेस करना है, तो हमारे पास यहाँ पे तो जस्ट नेम है, हमारे पास इमेज नहीं पड़ी हुई, तो हमने उसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इस इमेज के लिए हम फिर उसको एक फोल्डर में सेव करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ से नेम गेट करेंगे और लोकेशन जहाँ पे हमने इमेज स्टोर की है वहाँ पे लोकेशन से हम उस इमेज को उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जस्ट नेम एंटर किया हुआ है, तो अब जो है उस जो इमेज होगी उसको हम फोल्डर में किस तरह स्टोर कर सकते हैं, किस तरह मूव कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। उसके लिए भी एक फंक्शन यूज़ करते हैं कि जो इमेज है वो हम उस लोकेशन भी हम देते हैं कि इस लोकेशन पे उस इमेज को स्टोर करें, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो लोकेशन है वो स्पेसिफाई करनी होती है कि किस फोल्डर में आपने जो इमेज है वो उसको रखना है। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे हम वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल इमेज लोकेशन के नेम से, लोकेशन जहाँ पे हमने स्टोर करनी है। तो अब क्या होगा कि आपने जो लोकेशन है और जो इमेज नेम होगा उसको करना है बाइंड, और मींस के उस लोकेशन में आपकी इमेज मूव होगी। तो क्या होगा, फर्स्ट आपने उस लोकेशन को देना है। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ये जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है माई इमेजेस में, माई इमेजेस का फोल्डर बन के। अब इस लोकेशन को मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, और ये फॉरवर्ड स्लैश, और ये भी यहाँ भी फॉरवर्ड स्लैश, इसको भी चेंज कर लें, यहाँ पे इसके साथ वो एक्सेस नहीं करता तो इसलिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करें। अब यहाँ पे हमारी इमेज फोल्डर जो हमने क्रिएट किया है वहाँ पे हमारी जो इमेज होगी वो स्टोर होगी। कौन सी इमेज स्टोर होगी, जो हमने यहाँ पे कंकैट किया होगा, जो आपने अपलोड की होगी, जो हम आपने इसको कंकैट करना है। तो यहाँ पर हमारी इमेज नेम होगा, यहाँ पर इमेज नेम। अब जो भी इमेज होगी वो इस फोल्डर में मूव करेगी, तो ये हमारे पास इमेज लोकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको फंक्शन यूज़ करके इस इमेज को वहाँ पे इस लोकेशन जो आपने स्पेसिफाई की है इस लोकेशन पे आपने सेंड करना है, तो वो आप एक फंक्शन के थ्रू करते हैं। तो वो फंक्शन देख लेते हैं, मूव अपलोड फाइल, ये फंक्शन होता है। इस फंक्शन में आपने फाइल नेम और डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ पर आप ये जो फाइल है वो आपकी मूव होगी। तो फर्स्ट पैरामीटर में आपने फाइल नेम देना, तो फाइल नेम हमारे पास इमेज नेम है, और दूसरे जो है वो डेस्टिनेशन। अब इसमें हमने डेस्टिनेशन पास करनी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसमें चेंजेस होगी कि हमने जो फाइल नेम है वो हमने जिस यहाँ पे एक सिंपल नेम एट्रीब्यूट यहाँ से स्पेसिफाई किया था, उसमें हमने टेम्परेरी नेम हमने उसको लोकेट करना है। तो टेम्परेरी के लिए हम इसको अलग से कर लेते हैं, अंडरस्कोर फाइल्स, और फर्स्ट पैरामीटर में फाइल नेम जो हमारा नेम होगा वैसे ही, और जो सेकंड पैरामीटर है उसमें हमने यहाँ पे टेम्प डाटा TMP टेम्प और नेम ये हमारे पास होगा, और सेकंड पैरामीटर में हमने उसकी जो डेस्टिनेशन है वो हमने स्पेसिफाई करनी है। तो डेस्टिनेशन हमारे पास ये थी इमेज लोकेशन, तो हम यहाँ पे दे लेते हैं इमेज लोकेशन, और उसके बाद ये क्लोजिंग टैग कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये हमारे पास होगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि इमेज मूव हुई भी है या नहीं हुई। तो हम इसका जो रिज़ल्ट है वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल इस तरह करते हैं कि रिज़ल्ट नेम, रिज़ल्ट ऑलरेडी है, रिज़ल्ट वन रख लेते हैं। तो ये रिज़ल्ट वन के नेम से मैंने रिस्पॉन्स जो होगा, जो भी जब ये उस फोल्डर में मूव कर देगा फाइल को, तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स क्या हो सकता है कि सक्सेसफुली वो मूव हो चुकी है या नहीं हुई। तो इस तरह का ट्रू या फॉल्स उसने रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, अगर तो सक्सेसफुली मूव हो चुकी है तो फिर क्या होगा कि हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, इमेज मूव सक्सेसफुली। और यहाँ पे हम एल्स में क्या करवा लेते हैं कि फेल्ड, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सॉरी ये सिंटैक्स 32 लाइन पे, सॉरी यहाँ पे ये मिसिंग थी। और इमेज हम करते हैं और उसके बाद सबमिट करते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें एरर क्या मिला है, इमेज मूव्ड, यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली। तो जो हमारी इमेज थी वो मूव हो चुकी है फोल्डर में। हम फोल्डर में जाके देख लेते हैं, तो ये हमारे पास इमेज जो है वो आई पड़ी है, तो हमने ये मूव की थी। अब जो है हमारा, हमने करेक्ट वैल्यूज़ देनी है और साथ ही जो इमेज चेक करते हैं कि वो फोल्डर में सही से जा रही है कि नहीं जा रही। तो यहाँ पे मैं करेक्शन वैलिड ईमेल देता हूँ, फ़ोन वैलिड, और उसके बाद ये कंट्री सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इमेज सेलेक्ट करते हैं, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड देना है। उसके बाद री एंटर पासवर्ड। अब जो है इमेज मूव सक्सेसफुली हो चुकी है और उसके बाद जो रिकॉर्ड था वो हमारा इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास रिकॉर्ड था और ये हमने डेटाबेस में स्टोर कर लिया है और हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे भी फोल्डर में भी आ चुकी है। नॉर्मली जो हम प्रोफेशनल वे है वो हम यही यूज़ करते हैं कि उसको फोल्डर, जो इमेज है उसको हम फोल्डर में मूव करते हैं एंड उसका जो नेम होगा, इमेज का नेम होगा, वो हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। अगर उसको एक्सेस करना है, हम जस्ट वहाँ से नेम एक्सेस करेंगे और यहाँ पे लोकेशन देंगे इसको, उसके साथ उसको कंटेक्ट करके हम डायरेक्टली उसको इमेज को एक्सेस कर लेंगे। वो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको एक्सेस भी करेंगे। तो अभी यहाँ तक हम जो है वो अभी यही देखा है कि हम उसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमने जो देखनी है वो इस इमेज की टाइप्स को वैलिडेट करना है कि लेट्स से कि हमने जस्ट इमेज ही यहाँ पे अपलोड करना है और अगर वीडियो अपलोड, क्योंकि फाइल कुछ भी टाइप्स हो सकती हैं और उसमें डॉक्स फाइल भी हो सकती हैं, उसमें इमेज सॉरी गिफ जो होती हैं वो भी हो सकती हैं, पीडीएफ भी हो सकती है, उसके बाद वीडियो वो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है, ये सारी फाइल्स होती हैं। तो हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगानी है कि भाई हम जस्ट जो हैं वो जेपीजी, पीएनजी और गिफ जो फाइल्स होंगी वो जस्ट आप अपलोड कर सकते हो और उसके अलावा कोई भी जो इमेज टाइप होगी, सॉरी फाइल टाइप होगी, वो आप उसको अपलोड नहीं कर सकते। तो वो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं वैलिडेशन, इसके बाद ही लगा लेते हैं यहाँ पे। अब उसके लिए भी फंक्शन यूज़ करते हैं जो इसकी टाइप चेक करेगा, जो हमने अपलोड की है उसकी टाइप चेक करने के लिए फंक्शन है pathinfo। तो उस पाथ में हमने पैरामीटर में जो है फाइल एक्सटेंशन देते हैं कि जो हमने अपलोड की है, तो उस एक्सटेंशन बेस पे वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं pathinfo। pathinfo में हमने सबसे पहले पाथ जो होगा वो उसको स्पेसिफाई करना है। हमारा पाथ था इमेज लोकेशन, तो वो हमने यहाँ पे देनी है, सॉरी इमेज लोकेशन। एंड सेकंड थिंग हमने यहाँ पे इसका बिल्टिंग जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम इसमें कर सकते हैं। pathinfo अगर लेट्स से कि हमें जो इमेज की लोकेशन चाहिए या फाइल नेम चाहिए या डायरेक्टरी चाहिए, फोल्डर नेम चाहिए, तो यहाँ पे हम उसको स्पेसिफाई करना होता है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक्सटेंशन नेम चाहिए, जो फाइल हमने अपलोड की है उसका जस्ट हमें एक्सटेंशन नेम चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं pathinfo और यहाँ पे आप देख सकते हैं pathinfo एक्सटेंशन, फाइल नेम, बेस नेम एंड डायरेक्टरी नेम, तो हमें एक्सटेंशन चाहिए तो ये हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पे इसको इको करवा लेते हैं, इसको या तो आप इसको एक फोल्डर में रख लें, एक्सटेंशन नेम, और यहाँ पे हम इको करवा के चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यूज़ जो थी वो सही से आ रही हैं या नहीं आ रही। यहाँ पे ये देखें, ये जेपीजी हमारे पास, ये इसकी टाइप उसने बता दी कि इसकी टाइप जो है वो जेपीजी है। अब यहाँ पे हमें उसकी टाइप मिल चुकी। अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो उठा लेता हूँ, अब देखें अब उसने बता दिया कि MP4 उसकी इमेज है, वो जो फाइल अपलोड की थी वो MP4 थी उसकी टाइप। तो यहाँ पे जस्ट मैं जो है वो इमेज को अपलोड करना है, तो यहाँ पे उसने बता दिया JPG उसकी टाइप है। अब हमने यहाँ पे वैलिडेशंस लगानी है कि ये जस्ट जो है वो MP4 या इसके अलावा कुछ भी अपलोड ना हो, जस्ट JPG एंड PNG एंड GIF को भी कर लें, एंड वो हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ कंडीशन में अब चेक करते हैं एक्सटेंशन, अगर इक्वल टू देते हैं JPG एंड ऑपरेशन यूज़ करते हैं, एंड एक्सटेंशन इक्वल टू PNG एंड ऑपरेशन अगेन, सॉरी, एक्सटेंशन नेम, और उसके बाद अगर ये GIF के इक्वल होगा। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी, इन तीनों में से ट्रू होंगी, इसको बल्कि और ऑपरेशन यूज़ करते हैं क्योंकि इन में से एक हमने उसको ट्रू करना है। तो यहाँ पे हम दे लेते हैं कि अगर ये तीनों में से कोई भी एक जो है वैलिडेट होगी, तो इसके बाद हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो हम वहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि सिलेक्टेड टाइप सक्सेसफुली या करेक्टली लिख लेते हैं, करेक्टली लिख लेते हैं। अगर ये फाइल जो हमने सेलेक्ट की है वो हमारी रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे एल्स में हम करवा लेते हैं कि टाइप इज़ नॉट वैलिड। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स क्या था। हम पहले इमेज को अपलोड करते हैं, अब उसने बता दिया कि हमारी जो टाइप थी वो करेक्ट है क्योंकि हमने JPG उसकी टाइप थी। अब हम इमेज को करते हैं, सॉरी वीडियो को करते हैं, कोई भी वीडियो उठा लें, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अब उसने बता दिया कि टाइप इज़ नॉट वैलिड। अब सेम एज़ आपने क्या करना है कि जैसे हमने नेम, ईमेल और फ़ोन में वैलिडेशंस लगाई थी, अगर वो वैलिडेट होंगी तब हमने डेटाबेस में उसको स्टोर करना है, अदरवाइज़ उसको स्टोर नहीं करना। तो सेम वो आपने करना है। तो और उसके बाद हम लास्ट चीज़ जो हमने देखनी है कि हम लेट्स से कि इमेज जो है उसका साइज़ ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। आप उसमें लिमिट रख लें कि उसकी जो फाइल जो साइज़ है वो 2 MB या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं। अब साइज़ को जो फाइल हमने अपलोड की है उसके साइज़ हम काउंट करने के लिए हम वो भी फंक्शन, जैसे हमने फाइल्स यूज़ किए थे फाइल्स अरे यहाँ पे, तो उसके लिए भी फाइल अरे ही यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेकंड जो इंडेक्स है उसमें हमने साइज़ को स्पेसिफाई करना होता है। यहाँ पे इसके 3-4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे नेम एट्रीब्यूट भी है, साइज़ एट्रीब्यूट भी है, उसके बाद टाइप एट्रीब्यूट भी है, उसके बाद एरर एट्रीब्यूट भी है। ये 3-4 इसके फाइल्स अरेज के एट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पे हमने नेम, उसको अगर नेम चाहिए, हमें फाइल नेम चाहिए तो उसके लिए नेम यूज़ करेंगे। अगर हमने साइज़ को कैलकुलेट करना है, जो हमने साइज़ जो इमेज अपलोड की है, तो उसके लिए साइज़ यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे उसको कर लेते हैं, उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं साइज़। और उसके बाद फाइल्स फर्स्ट पैरामीटर में जो इमेज है उसका नेम होगा, एंड सेकंड जो इंडेक्स होगा उसमें हमने ये उसको बताना है कि हमने साइज़ को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे इको करवा लेते हैं कि जो हमने फाइल अपलोड की है उसका साइज़ कितना है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इमेज को करते हैं अपलोड। अब उसने बता दिया कि ये जो साइज़ आपने जो इमेज अपलोड की है वो 42,773 टाइप है, इसकी जो है वो ये उसने बाइट में बताया। तो यहाँ पे हमने बाइट में ही उसको कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे भी हम उसको वैलिडेशंस लगा लेते हैं कि अगर इसका जो साइज़ है वो 5,000 से ज़्यादा हो, 5,000 बाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं कि जो साइज़ है अगर ग्रेटर देन 5,000 से होगा तो हम यहाँ पे एरर शो करवा देंगे, इको, और यहाँ पे हम एरर शो करवा देते हैं, एरर दिस साइज़ इज़ टू लार्ज, ये हम करवा लेते हैं। और एल्स में एल्स को रहने दें, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अब जो है वो हमारा साइज़ टू लार्ज बिकॉज के 42,700 ये था, हमने यहाँ पे 50,000 देना था, 50,000 बाइट। अब अपलोड करके देखते हैं, अब हमें एरर नहीं देगा, अब हमें एरर नहीं दिया उसने। तो अब हमारा जो साइज़ था वो 50,000 मीन्स के 5 MB से कम था, तो अब उसने एरर नहीं दिया। तो आपने इस पे भी वैलिडेशन लगानी है। अगर उसका साइज़ जो है वो 5 MB से या ज़्यादा होगा, अगर 2 MB का कर लेते हैं, 2 MB का कर लेते हैं, तो अगर उसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा होगा तो आपने एरर शो करवा देना और डेटाबेस में इमेज को स्टोर नहीं करने देना। तो सेम आपने ये भी करना है टास्क। तो ये हमारा जो था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आपने इसको मस्ट प्रैक्टिस करना है। तो अब एक आपने नोट किया है कि हमारे जो एरर्स थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो एरर्स हर इस फील्ड के नीचे शो होने चाहिए थे। अगर नेम एरर आता है तो यहाँ पे शो हो जाना चाहिए था, ईमेल आता है तो यहाँ पे नीचे, और फ़ोन के लिए यहाँ पे नीचे। तो मैं जस्ट नेम पे करके देता हूँ, बाकी आपका टास्क है वो आपने खुद करना है। तो वो किस तरह करेंगे, आप एक काम करें कि आप ये जो एरर्स हैं इसको एक वेरिएबल्स में स्टोर कर लें, और वेरिएबल्स में आप जस्ट जो हैं जो एरर आएगा वो वहाँ पे फील्ड के नीचे हम उसको जो एरर होगा यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। अगर लेट्स से कि नेम का एरर आता है तो यहाँ पे नेम का जो एरर होगा वो हम जस्ट इसमें यूज़ करेंगे। तो अगर लेट्स से कि नेम के लिए आता है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नेम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे कर लेते हैं। अब जो है जिस तरह हम यहाँ पे क्या करते थे कि ट्रू और फॉल्स करते थे, तो सेम हमने ऐसे ही इसमें करना है। इसमें एक बना लेते हैं वेरिएबल और उसमें नल वैल्यू रखवा देते हैं। ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो अब जो एरर होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर करना है, नेम एरर में। अगर ईमेल का होगा तो आपने ईमेल के लिए अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसके लिए आप ये सारा जो है वो स्टोर करवाएं। तो ये मेरे पास स्टोर हो चुका है। तो सेम आपने अगर लेट्स से कि अगर ये एरर आएगा तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारे पास कोड चलना है और इस जो वेरिएबल होगा उसमें ये वैल्यू स्टोर होगी। अगर ये नहीं आता तो फिर अगर तो इसमें आएगा, अगर ये एरर आएगा तो फिर ये हमें वहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे मैं कर के देख लेता हूँ नेम एरर। ये हमारे पास हो गया। तो हमने यहाँ पे जहाँ पे हमने इनपुट फील्ड है वहाँ पे उसके नीचे हमने शो करवाना है, तो यहाँ पे हम शो करवा लेते हैं। तो ये मेरे पास इनपुट फील्ड थी नेम, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ स्पैन, मैं यूज़ कर लेता हूँ एरर के लिए। और अब जो है यहाँ पे मैंने जो एरर था वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैंने आपको बताया कि हमने HTML में भी आपको PHP का कोड लिख सकते हैं क्योंकि ये एम्बेडेड होता है HTML कोड में। तो उसके लिए भी आपने क्या करना होता है, जैसे हम PHP टैग यूज़ करते हैं यहाँ पर भी सेम आपने PHP टैग यूज़ करना है सिंपल, और यहाँ पे आपने इको करवा देना है। क्या करवाना है, जो एरर था नेम एरर था, नेम एरर आपने यहाँ पे शो करवा देना। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये नेम एरर अब देखें ये मुझे अनडिफाइंड कह रहा है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्यों दे रहा है, बिकॉज के मैं आपको बता ही देता हूँ। अब ये देखें अब वो हमारा रिमूव हो चुका था बिकॉज के हमारा जैसे पहले एरर आ रहा था कि अगर इस सेट हमने कोई भी उसको अगर जो है उसको सेट नहीं किया हुआ, उसमें कोई वैल्यू सेट नहीं की हुई, तो उसने बताना है कि भाई ये अनडिफाइंड है। जैसे हम पहले किया था कि हम अगर पोस्ट जो मेथड यूज़ किए थे वो इस सेट फंक्शन के थ्रू अगर वो उसको हमने सेट किया हुआ है कहीं, तो फिर वो जो कोड होगा वो चलेगा। तो यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है। तो करके देख लेते हैं, यहाँ पे भी इफ़ कंडीशन में इस सेट यूज़ करेंगे। इस सेट में क्या होगा कि हमने अगर इस सेट किया हुआ है, क्या किया हुआ है कि नेम एरर अगर हमने सेट किया हुआ है, तो फिर क्या करें कि हम इको करवा दें। हमने इको करवाना है, एरर को इको करवाना है, सॉरी नेम एरर। यहाँ पे एरर कहाँ पे है इसको, सॉरी ये हमारे पास एक्स्ट्रा थी, और यहाँ पे भी एरर है एक्सपेक्टेड, सॉरी इसकी एक ब्रैकेट मिसिंग है, तो यहाँ पे ये पूरी कर लेते हैं। अब हमारे पास हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए हमारा जो है वो एरर रिमूव हो चुका है। अगर हम मैं इसको एम्प्टी करता हूँ तो अब वो बताएगा कि एंटर नेम करो। अगर मैं नेम एंटर करता हूँ लेकिन रॉन्ग देता हूँ कि उसमें डिजिट्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं फिर चेक करता हूँ तो वो बता देगा मस्ट एंटर अल्फ़ाबेट्स। तो आपने सेम ऐसे ही करना है। तो ईमेल के लिए भी ऐसे ही होगा कि आप उसको वेरिएबल में पहले वो जो है वो एम्प्टी उसमें रखवाएँ, और उसके बाद अगर एरर आता है तो यहाँ पे उस एरर को उस वेरिएबल में स्टोर करवा दें। अगर यहाँ पे एरर आएगा तो वही वैल्यूज़ यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एरर आएगा वो वहाँ पे हमने उस फील्ड के साथ अपने स्पैन यूज़ करके, और उसके बाद PHP का कोड यूज़ करें। PHP कोड वो आपको पता है किस तरह यूज़ करना है, और उसके बाद फंक्शन आप इफ़ के साथ चेक करें कि इस सेट जो हमने एरर जो वेरिएबल यूज़ करें वो आपने कहीं सेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर वो नहीं किया हुआ तो वो आप कुछ एल्स ना करवाएं, जस्ट आप इफ़ कंडीशन के साथ वो उसको इस सेट के साथ चेक कर लें। तो सेम आपने पासवर्ड के लिए भी करना है, पासवर्ड री एंटर पासवर्ड के लिए भी चेक करना है, और इमेज के लिए भी आपने मस्ट करना है। इमेज के लिए ये जो साइज़ उसको करना, वैलिडेट करना, उसकी टाइप वैलिडेट करना, वो सारा आपने करना है। वो बल्कि मैंने करके भी दे दिया हुआ, आपने जस्ट जो है इसको वहाँ पे एरर को वहाँ पे शो करवाना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड नेक्स्ट जो हम देखेंगे उसको लॉगिन करके हमने डैशबोर्ड पे किस तरह जाना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।